दोस्तों हम शुरू करते हैं इस नारियल को कुछ इस तरीके से। हम अपनी इस हथेली पर रख लेते हैं और हथेली पर रखने के बाद हमको जो है जिस भी दिशा में पानी की उम्मीद है आपको उस दिशा में चलना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल, आपके अपने चैनल खेती किसानी में। और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिस विषय को लेकर के हमेशा बोरवेल करने में एक असमंजस बना रहता है कि हम अपना बोर कहाँ कराएं और वो कौन सी जगह हो जहाँ पर हमें श्योर पानी मिल सके। तो दोस्तों आज हमने यहाँ हमारे ही खेत पर एक प्रैक्टिकल करने का सोचा है और वो प्रैक्टिकल आपसे हम आज साझा करेंगे। वो है इस नारियल के माध्यम से पानी देखने का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा इसी विधि के माध्यम से देखा जाता है जमीन के अंदर पानी, और इसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि हमको बोरवेल मशीन से बोर कहाँ कराना है। दोस्तों तो हम ये देखेंगे कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है और हम इसको करके देखने वाले हैं। दोस्तों हम अब शुरू करेंगे, इसको जिस प्रकार से हमारे जो बुजुर्गों ने बताया है उसी प्रकार से हमने इसको नारियल की विधि से हमने उनसे करना सीखा भी है। और सीखने के बाद इसमें कोई विशेष वैसे सीखने का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने हमें बताया था कि किस प्रकार से आप इसको हाथ में रखना है और कौन सा नारियल आपको उपयोग करना है जिसमें पानी हो। दोस्तों अधिकतर आप देखेंगे कि कुछ सूखे नारियल भी आते हैं, आपको उसको प्रयोग नहीं करना है। जिस नारियल में पानी हो बजा के देखिएगा वही नारियल आपको प्रयोग करना है, और ये प्रयोग प्रायः सफल ही होता है। तो हम चल रहे हैं, बाकी इस विधि में हमको अभी बोलना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम अभी बिना बोले ही हम अभी चलना शुरू कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नारियल खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि जहां भी आपका आंख मतलब अकौए का, हमारे यहाँ कहते हैं अकौए का ये पेड़ जहां भी होता है उसके नीचे निश्चित रूप से पानी होता है। तो ये इसमें ये भी बता रहा है कि यहाँ पर पे आकर के ये खड़ा हो रहा है। हम कोशिश करते हैं दूसरी दिशा से भी यहाँ आने की। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से ये खड़ा हुआ, मतलब यहाँ पर पानी है और निश्चित रूप से अगर आप यहाँ पर बोर कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा पानी मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहले से बोर है, इसको हमने आपको पहले भी साफ करके भी दिखाया था। तो ये बोर भी हमने हमारे कुछ बुजुर्गों से इसी विधि से कराया था और ये इसमें भी काफी अच्छा पानी है। और दोस्तों आप अगर इस विधि को अपनाना चाहें तो बहुत सारे भारतीय अपनाते हैं, आप अपना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं जमीन से पानी देखने की और बोर कराने के पहले ये निर्णय लेने की कि कहाँ पर हमको बोर कराना चाहिए। तो आज हमने आपको ये नारियल से संबंधित बताई, एक दो और हम पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद आपको अगले वीडियोस में हम और भी विधि बताएंगे कि किस किन विधियों के माध्यम से आप अपनी जमीन में पानी देख सकते हैं और बोरवेल करा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों इस पॉइंट पर ये खड़ा हो गया, इसका मतलब यहाँ भी पानी हो सकता है। एक पॉइंट ये भी है, तो हम इस पॉइंट पर कुछ ऐसा चिन्ह रख देंगे, हम ईंट का टुकड़ा रख देंगे या किसी पत्थर का टुकड़ा कि जिससे हमें याद रहे कि इस पॉइंट पर यहाँ पर ये नारियल खड़ा हुआ था और यहाँ पानी होने की पूरी संभावना है। दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ अगर आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपके काम आ सकती है, तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।